ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। आज भारत की शान भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। अपना साढ़ा आरबीआई पूरे 86 साल का हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने का आइडिया किसने दिया था? वो कौन था जिसने इसके पूरे स्वरूप, इसके स्ट्रक्चर की रचना की, इसके बारे में सोचा? वो महान शख्स थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जी हाँ, आरबीआई की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के आधार पर की गई है। भारतीय रुपए और आर्थिक इतिहास पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पहली पीएचडी करने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में भारतीय रुपए के अवमूल्यन और उसकी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया है। और साथ ही रुपए को संभालने के लिए बतौर अर्थशास्त्री एक महान इकोनॉमिस्ट उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी दिए। 1926 में अंग्रेजों ने रॉयल कमीशन, जिसे हिल्टन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, उसको उन्होंने भारत में भेजा था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद से इंडियन करेंसी की हालत बहुत बुरी थी। रुपए का अवमूल्यन लगातार होता जा रहा था। जब ये हिल्टन कमीशन भारत आया तो इसके हर सदस्य के हाथ में बाबा साहब की लिखी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन की कॉपी थी। यानी कमीशन के सारे सदस्य बाबा साहब के विजन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। डॉक्टर अम्बेडकर हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने अपनी किताब के आधार पर आरबीआई जैसे बैंक की संकल्पना की और फिर आयोग के सामने उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट दी। आप इसका जो जानकारी है वो उस रिपोर्ट की सबमिशन के बारे में जान सकते हैं। बाद में हिल्टन कमीशन ने बाबा साहब के सुझावों के आधार पर आरबीआई की स्थापना का प्रस्ताव दिया और इस तरह 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। लेकिन विडंबना देखिए कि कुछ लोगों ने उन्हें सिर्फ दलितों के नेता तक ही सीमित कर दिया, जबकि उनका हर काम आज भारतवासी के काम आ रहा है, हर भारतवासी के बल के काम आ रहा है। बाबा साहब के सिद्धांतों पर आधारित आरबीआई की ओर से अपने प्रेरणा स्रोत को उचित सम्मान भी नहीं दिया जाता। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। पिछले दिनों बाबा साहब के महान योगदान को रेखांकित करते हुए वाईएसआरसीपी की लोकसभा सांसद चिंता अनुराधा ने संसद में मांग की थी कि आरबीआई की संकल्पना देने वाले बाबा साहब की तस्वीर को भारतीय करेंसी पर भी छापा जाए। Thank you, Chairperson. Madam, we all of us know that Indians faced a great economic crisis and huge of lives due to colonial rule of British and World War I. In 1921, to overcome the crisis, the Imperial Bank was established, but it was failed to fulfill its role. Dr. B.R. Ambedkar has made constant and unstoppable fight with British and won by making them realize the diminishing value of rupee and its effect in the angle of both common man and economy by exploring with a solution. The Reserve Bank of India was conceptualized by Dr. B.R. Ambedkar based on his book, The Problem of Rupee, Its Origin and Its Solutions. He has represented to form Reserve Bank and submitted a book called History of Indian Currency and Banking to Hilton Commission. The British government has handed over its responsibility to Simon Commission, which was formed in 1927. Simon Commission has organized 3 roundtable conferences and approved the need for formation of Reserve Bank of India. Eventually, the Central Legislative Assembly passed Dr. B.R. Ambedkar's guidelines as the RBI Act 1934, so that Reserve Bank of India was established and has been functioning its services without interruption. Subsequently, the Banking Regulation Act 1949 was legislation in India that regulates all banking firms, and RBI was nationalized. Through you, Chairperson Madam, we are requesting at least now onwards to make necessary arrangements immediately to print Dr. B.R. Ambedkar portrait on one of the Indian currency on any denomination on par with Father of Nation Mahatma Gandhiji, which is delight for Indian civilians. Thank you. आरबीआई के स्थापना दिवस पर हम महान अर्थशास्त्री, दूरदर्शी और आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हैं। ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ वीक। मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में मिलते हैं।